अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। यहाँ आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, जो कि डाटा साइंस और डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंथेटिक डिवीजन किसे बोलते हैं। सिंथेटिक डिवीजन कैन बी डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल विद अनदर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल को फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल पे डिवाइड करने का सिंपल मेथड है टू फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर और क्वोशेंट को फाइंड करने के लिए। इसकी जो डेफिनेशन में हाईलाइट है वो ये है कि जो फर्स्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है सिर्फ उसी पे आप डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल पे डिवाइड नहीं करना यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो हम इसकी एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन को यूज करने का मेथड कौन सा है। मेरे पास एग्जांपल है जी 5x की पावर 4 प्लस x3 माइनस 3x, और सेकंड है पॉलिनोमियल मेरे पास x-2 जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है जी डिसेंडिंग पावर में हमने डिवाइडेंड को अरेंज करना है। 5x की पावर 4 है, आ गई जी हाईएस्ट पावर ये थी, उसके बाद x की पावर 3 है, 4 के बाद x की पावर 3 आती है, x की पावर 3 है इसको एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद x की पावर 2 आती है लेकिन यहां पे नहीं है। तो अगर मैं यहां पे 0 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो इसका हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब 0 x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसने इस पूरे की पूरी टर्म को 0 कर देना है। तो 0 होने की वजह से इस टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहां पे 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ करके लिख सकते हैं। स्क्वायर के साथ x की पावर 1 आती है, यहां पे x की पावर 1 है -3x लिख दी। एक्स के बाद एक्स की पावर 0 आती है, इसका मतलब यहां पे आ गया प्लस का 0 एक्स की पावर 0, 4 3 2 1 0 लिख दिया जी। स्टेप 2 जो है हमारा वो ये कहता है स्टेप 2 में हमने क्या करना है जी, हमने लगानी है एक लाइन। इस लाइन में पहले जो है इनके कोफिशियंट्स लिख देने हैं विद देयर साइन। पहला है जी x के पावर 4 का प्लस 5, x की पावर 3 का प्लस 1 है, x की पावर 0 का, x की पावर 2 का 0 है, और x का -3 एंड एट द एंड 0। अब इसके बाद हमने करना है जी x की पावर -2, यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू उसी वक्त निकल सकती है जब x-2 हमारा इक्वल हो 0 के। यहां पे -2 है, उधर जाके प्लस का 2 बन जाएगी, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। जो x की वैल्यू है यहां पे उसको लिख देना है हमने यहां पे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपने करना यह है कि जो ये फर्स्ट वैल्यू नीचे उतारी है इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 = 10। ये वाली जो वैल्यू आएगी इसको आपने यहां लिख देना है, यहां पे आ गया जी 10, ठीक है। अब इसको आपने कर देना है रेज। ये समझाने के लिए मैं ये साइंस लगा के मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखा रहा हूं। आपने जब इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तब आपने जो नीट कॉपी पे सॉल्व करना है, जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सारी कैलकुलेशंस अपने माइंड में करनी है, ठीक है। अब ये 10 आ गया, इस 10 को इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस 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 क्या बन गया, प्लस का 11।
अब फिर क्या करना है जी, अब फिर आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स 22। इस 22 को आपने उठा के इधर लिख देना, यहां पे आ गया जी 22। इस साइन को आपने फिर अरेज कर देना है जी। इन दोनों को प्लस किया तो प्लस 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 22 एज इट इज आ गया। अब फिर इस 22 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 44 आ गया। इस 44 को आपने यहां पे लिख देना है, 44 साइन रेज। ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का ही आएगा। 44 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 41 बच जाएगा। अब इस 41 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, एटी टू आ गया। इस 82 को उठा के इस 0 के नीचे लिख दें, 82। अब इसको आगे प्लस माइनस करके नीचे लिख देंगे, ऊपर 0 है तो इसका मतलब एज इट इज 82 आ गया। अब आपने जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, लास्ट जो लेफ्ट है, आपने उस वैल्यू को हाईलाइट करके अलग लिख देना है, तो ये वैल्यू हमारा रिमाइंडर होगी ऑलवेज। ये जो हमारा आंसर आया है यहां पे सॉल्व करने के बाद, आपने इसको ये जो डिवाइडेंड में हाईएस्ट पावर 4 है उसमें से एक पावर लेस करके इन जो डिजिट्स हैं उनको कॉफिशियंट बना के और पावर को एक लेस करके वेरिएबल के साथ लिख देना है। मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, हमने एक माइनस करके यहाँ पे लिखनी है। ये जो आंसर आया है हमारा सॉल्व करके, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने लिखते हुए जो वेरिएबल की पावर डिवाइडेंड में हाईएस्ट थी उसमें से एक पावर माइनस करके लिख देना है, 5x की पावर 3। इसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगी प्लस 11x स्क्वेयर। इसमें से इस एक पावर माइनस करके 22 के साथ लिख देंगे, इसमें से एक पावर माइनस करके लास्ट वाले के साथ लिख देंगे। एक्स की पावर 1 के बाद एक्स की पावर 0 होती है, जो 1 के इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा रिमाइंडर है जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, आज हमने देखा कि हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए किस तरीके के साथ दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे लेक्चर्स को सुनने के लिए मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करें। अल्लाह निगेबान।